taken as a punishment posting. People do not want to go to the training centers. On the other hand, people want to be posted to training institutions, and therefore we have kept very high standards for instructors. For your information, a person who has done himself very well, in fact he has excelled in that particular course, only he is posted as an instructor in a training institution. Because he gets 4 years tenure, he is in a position to keep his family, educate his children, and therefore posting to a training center is a very big incentive. So as a result, training is taken very, very seriously, and a person who is posted as an instructor is very proud of the fact that he is posted in a training center. CSWT is a very specialized institution where we give specialized training in weapon training, in platoon weapons, sniper courses, armorer courses. There are, you know, foreigners also who are coming for training, weapon training here in this school. We also have a subsidiary training center which is training OR. I am very happy to say that we are also training a number of constables from various state police forces. Whenever any DG requests me, and we have some vacant spots, slots in our training institution, I always agree and train state police forces also. Anything else you would like to know? Sir, अभी ये पढ़ा था कि सीमा पे एक अदृश्य बाढ़ लगने वाली है, जो कि शायद राजनाथ सिंह जी उसको शुरू करने जा रहे हैं, वो कैसा योजना और कितने लंबी दूर की बाढ़ होगी? ठीक बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमने, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जिसके पास अच्छी तकनीक है, आधुनिक तकनीक जिसके पास भी होगी, वही व्यक्ति डोमिनेट करेगा। इतिहास गवाह है, जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी रही उसने रूल किया। अंग्रेज़ों ने अच्छी नेवी और जो गन थी उसके माध्यम से तलवार भाले वाली जो फौजें थी उनको बड़ी आसानी से जीत लिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि जो हमारी बॉर्डर गार्डिंग है इसको हम आधुनिक बनाएंगे, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है ये उसी तरफ एक कदम है, जिसमें हम दुनिया भर की आधुनिकतम तकनीक और जो भी लेटेस्ट, जो भी आधुनिकतम उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पे हो जाए कि दुनिया में जो भी चीज़ अवेलेबल है हमने यहाँ लगा ली, देख ली कि ये हमारे यहाँ काम करती है और इसका ये उपयोग है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके साधारण भाषा में मैं समझाता हूँ, इंटीग्रेशन है इन सारी चीज़ों का। और जैसे CCTV का आप फीड एक TV पे देखते हैं, वैसे जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सब का एक फीड आपको बॉर्डर आउटपोस्ट में देखने को मिल जाएगा। और ज़रा सी भी गड़बड़ होने पे, किसी की घुसपैठ की कोशिश होने पे, जो सिस्टम है, आजकल सॉफ्टवेयर बड़े अच्छे आ गए हैं जो कि एनालाइज करते हैं और आपको बता देते हैं कि पिछले वाले फ्रेम में और इस फ्रेम में अंतर है, और इमिजिएटली एक अलार्म क्रिएट कर देते हैं ताकि आदमी ज़्यादा अटेंटिव होकर देखे कि इसमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह की हमें वो अलार्म क्रिएट करेंगे। और जहाँ एक और हमारे जो सैनिक हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गर्मी सर्दी बरसात स्नोफॉल तो वो पहरा देते हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो दूसरी ओर जो हमारा बॉर्डर गार्डिंग का सिस्टम है ये ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ होगा, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी है वो 24 घंटे 12 महीने और बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करती है, इट डज़ नॉट गो टू स्लीप। तो हम QRT के सिस्टम में शिफ्ट करेंगे पेट्रोलिंग से, हमारे जवान कमांडो जो हैं वो बॉर्डर आउटपोस्ट में सुसज्जित होकर के इंतज़ार करेंगे कि कोई चीज़ हो और हम जाके उसको टैकल करेंगे। तो हम पेट्रोलिंग मोड से QRT मोड में शिफ्ट करेंगे, ऐसा हमारा QRT मीन्स क्विक रिस्पांस टीम।
सर लगभग कितने किलोमीटर एरिया को ये कवर करेगा और किन-किन बॉर्डर्स पे ये होगा? मैं आ रहा हूँ उस पर। अभी हमने जो ये पायलट प्रोजेक्ट्स लगाए हैं ये साढ़े पाँच किलोमीटर के दो हैं। साढ़े पाँच किलोमीटर के दो? हाँ, यानी दोनों मिला करके 11 किलोमीटर हो जाते हैं। और इनको हमने जम्मू में स्थापित किया जिसका माननीय गृह मंत्री महोदय 17 तारीख यानी कि परसों विधिवत उद्घाटन करने जा रहे हैं। इज दिस अ रिप्लेसमेंट ऑफ द फिजिकल गार्डिंग? नो, फिजिकल गार्डिंग दैट बैरिकेड विल कंटिन्यू टू बी देयर। दिस इज इन एडिशन टू दैट। बेसिकली यू जस्ट आइडेंटिफाई व्हेदर देयर इज एन इन्फिल्ट्रेशन बिट? यस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। राइट।